में बैतरणी नदी पड़ती है। अब निश्चित हमको करना है हम घोड़े में चढ़ के चले कि हाथी में बैठ के जाएं कि पालकी में बैठ के जाएं कि पैदल जाएं या फिर डंडे खा के जाएं। ये सोचना हमको है। इस संसार की सारी संपत्ति तुम्हारी यही धरी रह जाएगी और जाने के बाद चाहोगे हमारे काम आ जाए तो फिर आने वाली नहीं। इसलिए जब तक है समय है, भगवान ये समय हर किसी को भी तो नहीं देता महाराज, हमारे पास समय भी है संपत्ति भी है और भगवान की कृपा भी है, तो समय रहते हम सावधान हो जाए। राजा परीक्षित सावधानी तो हुआ है, उसने सारी संपत्ति को त्याग दिया। एक बात कहें, ये संसार की संपत्ति का मोह त्यागना ही पड़ेगा। जब तक इस मोह को नहीं त्यागोगे तब तक आप उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मोह नहीं त्याग पाए ना महाराज, तुम कहीं भी चले जाओ वहां जाके भी तुमको घर की याद आए। जैसे होता है ना, आदमी घर से तो तीर्थ यात्रा पर जाता है, घर पर जाए 10 मिनट नहीं है फिर वो हम यहाँ पूछ गए आधे घंटे बाद उनको लाल को पार है क्यों, जो घंटे बाद उनको वहाँ पूछ गए तो कैसे चले पे जब ये जब तुमने फोन से घर में ही चिपकना था तो गए काहे को भाई, क्यों गए? अच्छा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कुछ लोग उनको घर बात करो थे नंदनाग के अंदर। ये जब छोड़ोगे तब कुछ कर पाओगे और ये छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक दिन कहा था ना, आ सकती है जा नहीं सकती, ये आ सकती है ये आई आ सकती है जा नहीं सकती, लेकिन इसका त्याग करोगे तब जाकर तुम उस मार्ग में बढ़ोगे। राजा परीक्षित की पत्नी इरावती इतनी सुंदर है महाराज, पतिव्रता नाम है, सुंदर है, बेटा जन्मेजय सुंदर है, आचरणवान है, पिता की आज्ञा पर चलने वाला है और ऐसा वैभव हस्तिनापुर का है, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित को लगा ये छोड़ना पड़ेगा तब मेरा वो मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा हमारे यहाँ कई बार लोग ये भी सोचते हैं, देखो हमारा शास्त्र कहता है गृहस्थी की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ये जो परिवार संपत्ति है इससे लगाव कम करो और भगवान से जुड़ाव ज्यादा रखो, रहो उनके बीच में, पत्नी भी हो बच्चे भी हो नाती भी हो पोते भी हो, भगवान कृपा करे आपके ऊपर आपके पड़पोते भी हो, मैं ये नहीं कहता, उनके बीच में रहो, उनके बीच में खेलो हंसो कूदो, लेकिन शरीर से मन से अलग हो जाओ बस, इतना ही है काम। कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घर त्यागने की जरूरत नहीं है। क्या करो, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। Thank you.
ये जो अच्छा है क्योंकि भजन का तो कहाँ टाइम है भाई, कथा की होनी है। जीवन 2 दिन का है और राम नाम सुखदाई है, इसलिए भजन करो भाई। क्यों? क्योंकि न जाने कब कहा जय श्री राम, पता है श्वास श्वास में हरि भजी प्रथा, श्वास नहीं खोई ना जाने वा श्वास की आनी होई ना हो। कोई भरोसा नहीं मारा, राजा परीक्षित ऐसा ब्रह्मनिष्ठ राजा है, सुखदेव जी जैसा सदगुरु उसे कभी मिला है। अगर कोई व्यक्ति पात्र है, भगवान उसी को सदगुरु प्राप्त करा। सदगुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता, सदगुरु घर बैठे मिलता है। कब? जब हमें योग्यता होता। उदाहरण से देखो, अगर हमारी बेटी में पात्रता है तो रिश्ते हमारे घर आते हैं। बस बेटी में योग्यता होनी चाहिए। और दुनिया अगर समझ गई इनकी बेटी बहुत अच्छी है भाई, गुणवान है, घर आएगी तो बना देगी, लोग वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, लोग दीदी दीदी हो नहीं है तो बात सत्य बताओ। अगर बेटे में तुम्हारे गुण हैं तो अपनी बेटी देने के लिए लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बस तुम्हारे बेटे में वो गुण होने चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए इनका बेटा भैया माता पिता की सेवा करने वाला है, उत्तम संस्कारों वाला है, चरित्रवान है, दिखने में सुंदर है। अगर इन का हमारे रिश्ता हजार से भल जी पर लगाओ जुगाड़ा, ये योग्यता चाहिए। ऐसे ही अगर मुझमें योग्यता होगी सदगुरु तो मुझे भगवान देगा। एक बात कहें, हम में इतना विवेक इतनी बुद्धि इतना ज्ञान है कि हम गुरु को ढूंढ सकें है? जिस गुरु को गुरु साक्षात परब्रह्म कहा जाता है उस परब्रह्म को क्या हम ढूंढ सकते हैं? लेकिन कभी वह परब्रह्म ही हमको ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा बेटा मैं रहा तेरा गुरु। ध्रुव जी कहीं गुरु को ढूंढने नहीं गए, नारद जी खुद मिले। प्रहलाद जी गुरु को ढूंढने नहीं गए, गुरु खुद मिला उन्हें। एक भी ऐसी कथा बताओ जब कोई चेला गया हो गुरु ढूंढने?